गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं तो आप देखें मैं इलेक्ट्रिशियन। सो गाइस तो आज के इस वीडियो में आप लोग बताने वाले कि आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग में आपको फ्यूज कैसे फिटिंग करना है। अगर आप लोग कहीं पर वायरिंग करना है या आपको किसी घर में फ्यूज आपको फिटिंग करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको ए टू जेड सारी जानकारी देने वाले हैं कि आपको फ्यूज फिटिंग कैसे करना है। बिना किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाए हुए आप लोग फ्यूज फिटिंग कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसी इलेक्ट्रिशियन वीडियो मिलती रहेगी। चलिए आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पर एंकर कंपनी का फ्यूज आ चुका है, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंकर लिखा हुआ है और यह है हमारा 100 एम्पियर 415 वोल्टेज का यहाँ पर हमारे पास फ्यूज है, जो कि आज इस वीडियो में इसको फिटिंग करने वाले हैं और आप लोग को बताने वाले कि आपको इसको कैसे फिटिंग करना अपने घर पर या कहीं पर आपको अगर लगाना हो तो आप लोग बिल्कुल आसानी से इसको फिटिंग कर सकते हैं बिना इलेक्ट्रिशियन बुलाए हुए। और आप लोग यहाँ पर देख से इसका MRP देख से काफ़ी ज़्यादा हाई लिखा हुआ है, यहाँ पर 999 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये हमारा 100 एम्पियर का फ्यूज है। ठीक है, तो इसको फटाफट से अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं कि हमारा 100 एम्पियर का फ्यूज कैसा होता है और आपको इसको फिटिंग कैसे करना है। बस आपको इस वीडियो को कम्प्लीट देखना है ताकि आप लोग बिल्कुल आसानी से फ्यूज फिटिंग करना सीख जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते कुछ इस प्रकार का हमारा ये है और ये हमारा जो फ्यूज होता है ये हमारी चीनी मिट्टी का बना होता है, जो कि आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये अगर हम इसको 2-3 फीट से अगर नीचे गिरा देते हैं तो ये हमारा फूट भी जाता है, बट ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और ये चीनी मिट्टी का बना हुआ है। और भाई साहब आप लोग देख सकते काफ़ी ज़्यादा मजबूत 100 एम्पियर का हमारा ये फ्यूज होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास 4 फ्यूज हैं, 2 फ्यूज को हम लगाएंगे यहाँ जहाँ हमारा मीटर लगेगा वहाँ पर और 2 फ्यूज को हम लगाएंगे, हमारी एक लिफ्ट का काम चल रहा है, हमको लिफ्ट को सप्लाई देने के लिए हम 100 एम्पियर के फ्यूज को लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दूसरे वाले को भी यहाँ पर अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और आप लोग को फिटिंग करके दिखाते हैं कि आपको कैसे यहाँ पर हमारा फ्यूज फिटिंग करना है। ठीक है, ये वाला भी हमारा 100 एम्पियर का फ्यूज है, जो कि आप लोग देख सकते बिल्कुल आसानी से निकल जाता है और इसमें अभी आपको वायरिंग कनेक्शन आपको समझाएंगे बिल्कुल आसानी से। यहाँ पर हमारा मीटर लगा हुआ है और यहीं पर हमारे 2 फ्यूज लगेंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर टेम्परेरी काम चल रहा है, यहाँ पर 2 यहाँ पर कील गड़ी हुई है और इसी में हमारा वायर बंधा हुआ है और इसी से यहाँ पर काम चल रहा है। ठीक है, इससे काफ़ी तो दिक्कत आ सकती है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो यहाँ पर हम मीटर के पास 2 फ्यूज लगा देंगे ताकि कोई दिक्कत हो, सीधा हमारा फ्यूज उड़ जाए और हमारी घर की जो है लाइट बच जाए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मीटर के जो 2 वायर है उसको हम यहाँ पर कट कर लेंगे और यहाँ पर जितना झमेला है इसको यहाँ पर हटा देंगे। ठीक है, उसके बाद अपने फ्यूज को हम फिटिंग करेंगे, उसके बाद सारा कनेक्शन बिल्कुल आसानी से कर देंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना कि जो हमारा मीटर के वायर होते हैं उसको ऊपर जोड़ दे या फिर नीचे जोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं होता इसमें। और जो MCB होता है उसमें आपको लोड लाइन देखना पड़ता है, बट इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप लोग ऊपर भी जोड़ सकते हैं, नीचे भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, फ्यूज के अंदर आपको 2 होल मिल जाएंगे, उसी होल के माध्यम से आपको स्क्रू यहाँ पर लगाना है और स्क्रू के माध्यम से आपको लकड़ी में टाइट कर देना। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से ऐसे आपको फ्यूज को टाइट करना लकड़ी में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग दीवार पर लगाना चाहते हैं तो आप लोग को यहाँ पर क्या करना, दीवार पर रखना होगा और आपको अच्छे से मार्किंग करके ड्रिल मशीन से छेद करके आपको दीवार पर फिटिंग करना होगा। ठीक है, बट यहाँ पर लकड़ी पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से हमारा ये फिटिंग हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा 1 फ्यूज बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो चुका है। इसी प्रकार से अपने दूसरे फ्यूज को यहाँ पर फिटिंग करेंगे, तो हम यहाँ पर 2 स्क्रू ले लेंगे, यहाँ पर 1.5 इंच का यहाँ पर स्क्रू लेना, जो कि ब्लैक स्क्रू आता है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइट होता है। तो यहाँ पर हम स्क्रू को फटाक दे अच्छे से टाइट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर वायरिंग कनेक्शन समझाते हैं आपको वायरिंग कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आसानी से आपको अच्छे से फुल टाइट कर देना, ज़रा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है ताकि हम फ्यूज को अगर निकालें तो हमारा ये ज़रा सा भी हिले ना और हमारा इसमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम अच्छे से इसमें लगा देते हैं, फिर आपको वायरिंग कनेक्शन करके सिखाते हैं। ठीक है, हमारे मीटर से यहाँ पर 2 वायर आया हुआ है, एक लाइन और एक न्यूट्रल का। ठीक है, जो हमारे 3 फेज की वायरिंग होती है उसमें हम 4 फ्यूज लगाते हैं, जो हमारे यहाँ पर सिंगल फेज की वायरिंग होती है उसमें हम 2 फ्यूज लगाते हैं, एक लाइन और एक न्यूट्रल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते जो हमारे मीटर वाले वायर थे उसको हमने अच्छे से छील लिया है। अब लोग क्या करेंगे, जो हमारा फ्यूज का ऊपर वाला पॉइंट है उसमें एक एक करके वायर को डालेंगे। ठीक है, 1 फ्यूज में हम लाइन वाले वायर को डालेंगे और 1 फ्यूज में हम यहाँ पर न्यूट्रल वाले वायर को डालेंगे। ठीक है, और क्या करना, आपको वायर लगाने से पहले आपको वायर को थोड़ा मोड़ लेना है ताकि अच्छे से हमारा ये टाइट हो जाए और इसमें यहाँ पर कार्बन ना लगे, अच्छे से यहाँ पर हमारा काम करे, बार बार कोई दिक्कत इसमें ना आए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ऊपर वाले पॉइंट में मीटर का जो हमारा रेड वाला है, मतलब लाइन वाला पॉइंट है, उसको हमने लगा दिया है और अच्छे से यहाँ पर टाइट कर दिया, जो कि आप लोग देख सकते हैं कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करें, जो हमारा दूसरा वाला फ्यूज है उसमें हम लगाएंगे न्यूट्रल कनेक्शन करेंगे। ठीक है, तो हम इसको अच्छे से फटाफट से छील लेते हैं
वायर को, वैसे आपको वायर को छीलने के बाद वायर को डबल कर लेना है, उसके बाद ही आपको दूसरे वाले फ्यूज यहाँ पर फ्यूज में इसका कनेक्शन करना है। ठीक है, तो इसको फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पर वायर को हम यहाँ पर मोड़ लेते हैं और उसके बाद हम इसको यहाँ पर थोड़ा प्लास से प्रेस कर देंगे। उसके बाद हम दूसरे फ्यूज में इसको अच्छे से लगाकर फुल टाइट कर देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं हम स्क्रू को खोलेंगे। और आपको ये ध्यान रखना है, आपको एक स्क्रू को नहीं टाइट करना, दोनों स्क्रू को अच्छे से टाइट करना। बहुत लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी के चक्कर में एक ही स्क्रू को टाइट कर देते हैं और वो फिर चले जाते हैं। ठीक है, आप दोनों स्क्रू को टाइट करना ताकि वायर ज़्यादा से भी हमारा हिले ना, ना यहाँ पर टूटे ना कोई इसमें स्पार्किंग हो। ठीक है, तो अब आप लोग देख सकते हैं हमारा बिल्कुल आसानी से ऊपर कनेक्शन हो चुका है। ठीक है, अब हमको नीचे कनेक्शन यहाँ पर करना है। तो आप लोग देख सकते जितने हमारे MCU बॉक्स से वायर आए होंगे हमको सभी को यहाँ पर नीचे वाले में कनेक्शन कर देना है। लाइन वाला आपको लाइन में कनेक्शन करना, न्यूट्रल वाला आपको न्यूट्रल में, मतलब कि ब्लैक वाले वायर को ब्लैक में लगाना है और जेड वाले वायर को जेड में लगाना। ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप लोग उल्टा सीधा कनेक्शन कर देंगे तो आपका ये लाइन पूरी उल्टी हो जाएगी, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल में लाइन आएगा, लाइन में न्यूट्रल आएगा। ठीक है, फिर आपको दोबारा इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हमने यहाँ पर न्यूट्रल में न्यूट्रल लगा दिया है और लाइन में लाइन लगा देते हैं। उसके बाद अपने फ्यूज हम अपने बनाएंगे जिससे कि हमारा कोई अगर शॉर्ट सर्किट हो तो हमारा फ्यूज उड़ जाए और हमारे सारे घर की लाइन बंद हो जाए और हमारे जितने अप्लायंसेस है सब एकदम अच्छे से बच जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हमने लाइन वाले में भी अच्छे से वायर को लगा दिया है। अब इसको हम अच्छे से फुल टाइट कर देंगे। ठीक है, ज़रा सा भी आपको ढीला नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छे से इसको फुल टाइट कर देते हैं, फिर अपने फ्यूज को बनाते हैं, उसके बाद अपने लाइन को चालू करते हैं। ठीक है, आप लोग ऐसे बिल्कुल आसानी से फ्यूज को फिटिंग कर सकते हैं, आपको किसी भी इलेक्ट्रीशियन को बुलाने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस वीडियो देखने की ज़रूरत है। अगर आप लोग वीडियो पूरी कंप्लीट देख लेंगे तो आप लोग कहीं पर भी वर्क करके पैसे कमा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो फ्यूज हैं जो कि आप लोग देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2.5 mm के वायर लेंगे या फिर आप लोग 1 mm का वायर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप लोग ज़्यादा पतला वायर लेंगे तो आपको जल्दी से फ्यूज उड़ जाएगा, थोड़ा मोटा वायर लीजिए, अपने लोड के हिसाब से आपको वायर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 100 ampere के फ्यूज को लगा रहे हैं, तो यहाँ पर हम 2.5 mm के वायर को लेंगे। ठीक है, जो कि हमारे वहाँ यहाँ 2-2, 3-3 AC भी चलती हैं, तो हम 2.5 mm के वायर को लगाएंगे। और जैसे कि आप लोग देख यहाँ पर स्क्रू दिया होता है उसी में आपको ऐसे वायर को लगाना होता है और दूसरी तरफ भी आपको इस स्क्रू में यहाँ पर वायर लगाना होता है। ठीक है, तो इसको फटाफट से लगा देते हैं, बस ऐसे हमारे दोनों फ्यूज तैयार हो जाएंगे। उसके बाद फ्यूज हमारे तैयार होने के बाद इसको हम फ्यूज उसमें लगा देंगे, बस हमारा फ्यूज एकदम कंप्लीट हो जाएगा, बस हमारी लाइन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम अच्छे से स्क्रू को खोल कर और अपने वायर को फिटिंग कर देते हैं इसमें, बस हमारा दोनों साइड एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने इस साइड भी अच्छे से वायर को यहाँ पर घुमा के और अच्छे से नेट बोल्ट से टाइट कर दिया है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ऐसे हमारा फ्यूज कंप्लीट हो चुका है। ऐसे हमको दूसरा वाला फ्यूज भी यहाँ पर बनाना होगा, ऐसे हमने ये फ्यूज बनाए हैं, ऐसे ही आपको सेम दूसरा फ्यूज बनाना, जो कि आप लोग देख सकते बिल्कुल आसानी से हमारा फ्यूज ये बन चुका है, ऐसे ही आपको ये दूसरा वाला बनाना होगा। ठीक है, तो इसको फटाफट से बना लेते हैं, फिर आपको लाइन चालू करके दिखाते हैं, फ्यूज को लगाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारी लाइन चालू हो चुकी है, इसको फ्यूज लगाते हैं, बस हमारी लाइन चालू हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों फ्यूज को अच्छे से बना लिया है, इन दोनों फ्यूज को हम इसमें लगाएंगे, बस हमारी लाइन चालू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक में फ्यूज को डाल दिया है, दूसरे में भी अच्छे से फ्यूज को लगा देते हैं, बस हमारी सारी घर की लाइट बिल्कुल आसानी से चालू हो गई है और हमारा फ्यूज बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। तो आप लोग देख सकते हमारा फ्यूज बिल्कुल आसानी से फिटिंग हो गया है और आप लोग ऐसे फ्यूज लगा सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आए प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको ऐसे इलेक्ट्रीशियन वीडियो मिलते रहेंगे। आपके मन में किसी भी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम आपको उस टॉपिक पर वीडियो देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।